गजेंद्र जी, आपने कहा अभी कि सरकार ने MSP बढ़ा दी है। सरकार हर साल DAP बढ़ाती है, DA बढ़ाती है महंगाई दर के हिसाब से। आपने तो 2 का नाम लिया है, मैं सभी 21 की 21 का बता दूंगा, जो रबी और खरीफ सभी फसलें हैं MSP भी। उसमें भी किसी में भी 5.69% से ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है, और जो आर्थिक महंगाई दर हुई है वो 7% से ज़्यादा है। तो आप बताइए कि ये बढ़ाया है या घटाया है? तो आप खुश नहीं हैं उनके इस कदम से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो अपनी मांग कर रहे हैं, और वो तो कागजों में बढ़ा के उस चीज़ को मीडिया में दिखा रहे हैं। आप ग्राउंड पे जाइए, मैं कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा, बिहार में सड़कों पे दौरा करके आइए, इस टाइम मक्का की फसल पड़ी है। पंजाब में दौरा करके आइए, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, आप लोग कहते हैं वहाँ MSP पे ख़रीदा जाता है। आज भी किसान का मक्का 800-900 रुपये क्विंटल बिक रहा है, जबकि 1800 से ज़्यादा उसका MSP है। तो बात सिर्फ MSP की नहीं है, बात यह है MSP पे खरीदी कितनी जाती है। तो इस कदम से खुश नहीं है सरकार? तो कह रहे किसान खुश हैं, स्वागत कर रहे हैं। नहीं, हम खुश हैं MSP पे, लेकिन बढ़ाने से नहीं, खरीदने से। अगर मक्का की MSP 1800 है, तो एक भी किसान की MSP से नीचे फसल नहीं बिकनी चाहिए। MSP पर हर किसान की फसल की खरीद होनी चाहिए, चाहे वो बिहार का किसान है, चाहे वो पंजाब का किसान है, और चाहे वो कर्नाटक का किसान है। इस देश का किसान है, इस देश का जो भाव है वो सभी पर बराबर लागू होता है। पहले DAP पे रेट कम किए गए, अब 2 फसलों पर उन्होंने मक्के पर धान पे MSP बढ़ाई है, किस आंदोलन का प्रभाव है क्या? देखिए, MSP के पे तो हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, और जो रेट बढ़ाने और घटाने की है वो तो कागजों में है। पहले बढ़ा दिया और फिर घटा दिया, अब घटाने की बात कर कर के वो करेंगे। ऐसे ही अभी जैसे पेट्रोल डीजल इन्होंने 100 के पार कर दिया है, अब इसको वापस 80 पे ले आएंगे, फिर क्या होगा? घटा दिया। अरे घटा कहाँ दिया भाई, 60 से 80 कर दिया आपने, बढ़ा तो दिया। तो वही बात DAP यूरिया पे थी। इन्हों का काम आंकड़ों से खेलना है, ये आंकड़ों से खेल रहे हैं, ये जानों से खेल रहे हैं। 500 से ज़्यादा इस देश का किसान शहीद हो गया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे बताइए, इस धरती पर क्या कोई है जो उन किसानों की जिम्मेदारी लेगा? पर सरकार तो कह रही है, हमने तो अच्छा ऑफर दिया था किसानों को, किसान माने नहीं है, इससे बेहतर ऑफर आई नहीं हमारे पास। बस तो आपकी सरकार की बात सुनिए, सरकार ऑफर देगी क्या? कंपनी है क्या कोई सरकार? सरकार लोगों की है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक और तंत्र, तो सरकार लोगों की है, वो ऑफर क्या देगी? वो तो लोगों से पूछेगी, हाँ भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सरकार का काम लोगों से पूछ के कार्य करने का होता है, ना कि कार्य करके लोगों को बताने का होता है। लेकिन हुड्डा जी, हम पहले देख रहे थे किसानों का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, जो आंदोलन फूल भी बरसाए गए थे आप लोगों के ऊपर, लेकिन अब वीडियो के हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको अजीब अजीब तरह के लोग गाली, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। क्या जो सम्मान था वो घट रहा है क्या आंदोलनकारियों का? ना किसान का सम्मान घटा है, ना घटेगा, और ना पहले घटा था। आप आज मेरे साथ चलिए, दिल्ली चलेंगे यही झंडे लगा के, आप मेरे साथ ना भी चलें, किसी और के साथ जाएं गाड़ियों पे झंडे लगा के, आपको आज भी फूल बरसते हुए नजर आएंगे। हाँ, वो करके भी गालियां दे रहे हैं? नहीं, कोई नहीं दे रहा, वो आप बताएंगे, वो पहले ही हो चुका है। 2 रुपये ट्विटर के कौन दे रहा है? किसान के पास तो इतना पैसा नहीं है वो देंगे। वो जो 2 रुपये लेने वाले देने वाले हैं, वो चलते रहें, वो करते रहें, लेकिन ना ट्विटर पे गेहूँ पैदा होगा, ना ट्विटर पे धान पैदा होगा। धान और गेहूँ और फसलें तो भाई खेत से ही लानी पड़ेंगी। और ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं, ये सुबह याद रखें, खाने में रोटी खाते हुए, सब्जी खाते हुए, दूध पीते हुए ध्यान रखें कि ये किसी ट्विटर से नहीं आई है भाई, खेत से सामान आता है किसान के। हुड्डा जी, जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर नहीं आ सकी है, अब मोदी सरकार कह रही है कि हम जो है नए नोट भी छाप सकते हैं, इनका काम क्या है? ये एक क्या कहूँ मैं, जो हमारे यहाँ करतब दिखाते थे लोग, पहले मदारी कहें, करतब दिखाने वाले कहें, कि ये चीज़ों को बहलाएं, नए नोट छाप लाएंगे, कलर दूसरा कर देंगे। अरे करेंसी है, आप उसका मजाक बना रहे हो क्या?
और ओमदेव जी आपने कहा, बार बार खुद ही कहा, सारी मीडिया कह रही है मोदी सरकार मोदी सरकार, अरे भाजपा सरकार तो ये रही ही नहीं, मोदी सरकार है। इसीलिए आज किसान मोदी के खिलाफ लड़ रहा है, मोदी और शाह के खिलाफ ही क्यों लड़ रहे हैं? बार बार मोदी सरकार करते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल की तो सुनी ही नहीं जाती। जब भी कोई मन की बात कहनी होती है, कोई घोषणा होती है, प्रधानमंत्री आगे करते हैं। भाई प्रधानमंत्री का पद गरिमापूर्ण है, लेकिन उससे ऊंचा सर्वोच्च पद इस देश में कैबिनेट का होता है। कैबिनेट क्यों नहीं आ रही निकल के? फिर यूँ कहेंगे कि कृषि का विषय है, कृषि मंत्री से बात करें। बोलने में तो मोदी सरकार बोलते हैं और बात करें कृषि मंत्री से, ऐसे ही तो इस देश का समाधान नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर आप इन दोनों को हटा देंगे, मोदी और शाह का, देश का विकास भी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का विकास भी हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था का विकास होगा, नोट के कलर बदलने से काम नहीं चलेगा। जी आंदोलन 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, उस टाइम में और अब टाइम में क्या आपको अंतर आ रहा, क्या दिखाई दे रहा, कितना डिफरेंस था पहले आंदोलन में और अब क्या? शुरू में आंदोलन हम करने चले थे जब 26 नवंबर को, 26 नवंबर से पहले भी हमने 5 जून से ही शुरू कर दिया था। 10 सितंबर में जब किसानों पर पीपली में लाठी चार्ज हुआ, तब हमें एहसास हो गया था किसी हद तक कि सरकार बातें नहीं मानेगी। लेकिन उसके बाद यहाँ आए तो हमें भी आंदोलन के ज़्यादा अनुभव नहीं थे, भाई किसानों ने काफ़ी साल बाद आंदोलन किया है तो हमारी जनरेशन ने नहीं देखा। लेकिन अभी जो 7 महीने कहें, 6 महीने क्या, 7 महीने के आसपास हो गए हैं, इस 7 महीने का जो अनुभव है, हमें रोज़ नए अनुभव दिलवा रहा है, रोज़ अंदर से मजबूत कर रहा है, हम मानसिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। शुरू में हम आए थे, हमारे पास आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी थी, आज हम कुछ कमज़ोर हो रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि हम कैसे चलाएंगे। पहले हमारे पास संपदा ज़्यादा थी, भाई चलो कुछ दिन चलेगा, अब हम अपने रिसोर्सेज का धीरे धीरे यूज़ कर रहे हैं। और मोदी और शाह को शायद ये नहीं पता, किसान को खाने को सिर्फ चटनी रोटी चाहिए, और वो दोनों चीज़ें किसान के खेत में पैदा होती हैं, तो ये आंदोलन किसान सदियों तक चला सकता है, सदियों तक। लेकिन सर जिस तरह से सरसों के तेल के दाम बढ़े हैं, ये किसकी मानते हैं, इसमें कौन इसमें ज़्यादा मतलब प्रॉफिट कमा गया है, किसान या फिर व्यापारी? व्यापारी ही ज़्यादा कमाएगा। किसान तो इस बिल का विरोध कर रहा है कि ये ज़्यादा जमाखोरी वाला कानून जो है, जमाखोरी करते हैं, ज़्यादा जमाखोरी करते हैं। किसान की तो जो सरसों बिकी है वो MSP पे ही बिकी है, 5,000 के आसपास कुछ बिकी है। लेकिन जो ये 7 से 8 हज़ार का जो भाव हुआ है, ये व्यापारी ने किया है। और इसीलिए हम जनता से बार बार किसान अपील करता है, किसान के तो खेत में सरसों है, मैं अपनी सरसों 2 बोरी रख के तेल निकलवा लाऊँगा, चल जाएगा काम। लेकिन जो शहर में हमारे भाई रहते हैं, नौकरी करते हैं, आज उनके लिए सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ तो उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। आप आज के दिन आटे का भाव भी जाके देख लीजिए, जो ये पैकिंग में कितने का बेचते हैं। तो किसान को सिर्फ अपनी चिंता नहीं है, किसान को पूरे देश की चिंता है, उसे उन भाइयों की चिंता है जो शहर में आकर यहाँ रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी है, तो किसान ने करनी है। हुड्डा जी, किसान नेताओं पे कुछ आरोप लगते हैं कि ये टोल पे उगाही करते हैं, जो मील होते हैं वहाँ पर उगाही करते हैं, कितनी सच्चाई है इन बातों में? भाई आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहते हैं, लेकिन ये जो उगाही शब्द है, ये नकारात्मक शब्द है, गलत है। इस सरकार ने इसको सकारात्मक ऑथराइज्ड कर दिया है। अब पेट्रोल डीजल जो 70 रुपये लीटर होना चाहिए वो 100 रुपये लीटर है, ये 30 रुपये की उगाही जनता से कौन कर रहा है बताएं? उसे लीगल कर दिया, ये गलत चीज़ है, लेकिन सरकार ने इसे लीगल कर दिया। अब जो कालाबाजारी हुई सरसों के तेल पर, उसे सरकार ने लीगल कर दिया, वो भी कर दिया। दवाइयों पे, सिलेंडरों पे, क्या आप ये मानते हैं कि बिना सरकार की शय के कोई इस देश में कालाबाजारी कर सकता है? किसने की? सिर्फ 2 व्यक्तियों की शय पे कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए गए, ये लूट खसोट के तरीके बनाए गए। आज जो चालान काटे जा रहे हैं कोरोना काल में मास्क का बताकर, ये
ऑथराइज्ड लूट है, पेट्रोल डीजल के हैं ये ऑथराइज्ड लूट है, इसे ही आप उगाही कह सकते हैं। किसान कभी उगाही नहीं करता। जो आपने कहा कि सरकार की सह पे हो रहा, तो क्या किसान जो कर रहे हैं वो भी सरकार की सह पर कर रहे हैं? नहीं, किसान तो सरकार से टक्कर ले रहा है सीधी सीधी। हम तो टक्कर ले रहे हैं और खुल के कहते हैं मोदी और शाह से हमारी टक्कर है, और कोई ले सकता है तो ये किसान ही ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता कहाँ घुस गए हैं, कौन से बिल में है, लो वो टक्कर आ जाओ। अगर उनसे खुल के नहीं कहा जा रहा तो किसान उनको मंच देगा, आओ भाई लो। किसी को तो देश के लिए लड़ना पड़ेगा। जो जंग का मैदान होता है उसमें उधर भी सैनिक बैठा होता है, इधर भी सैनिक, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जीतने के लिए तो आगे किसी न किसी को उठ के चलना पड़ेगा, बलिदान भी देना पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा, तो तभी जंग जीत। अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं हम, देश के लिए लड़ रहे हैं हम, देश की फसलों और नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। देश जो होता है वो कभी भी बिल्डिंग और इन चीज़ों से नहीं होता, देश देशवासियों से होता है। और देशवासी कैसे जिएगा? देशवासी को लिए खाने को अच्छा सस्ता खाना चाहिए, वो कौन दे रहा है? वो किसान दे रहा है। अब खाने और इसमें आप देखिएगा महंगाई किसने की? पूंजीवाद ने की, उन्होंने भंडारण किया उससे महंगाई हुई। इसके बाद क्या चाहिए एक नागरिक को? स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य में सरकार ने क्या की? कालाबाजारी की। और किसान ने क्या की? किसान ने फ्री में ऑक्सीजन के सिलेंडर बांटे। तीसरी चीज़ आती है शिक्षा। सरकार क्या कर रही है? स्कूलों को बंद कर रही है, जो शिक्षित व्यक्ति हैं जो आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दबा रही है। किसान क्या कर रहा है? किसान उनको देश के बारे में बता रहा है। आज यहाँ 7 महीने का जो अनुभव है, अभी हमें कानूनों का, इन सारी चीज़ों का ज्ञान जो मिला है वो यहाँ से है। किसान को जो ज्ञान मिलता है वो ज़मीन से और अनुभव से मिलता है, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ के आता। हाँ, उनके बच्चे आज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने लगे हैं और वो ज़मीन की हकीकत को भी जानते हैं। आंदोलन को किस दिशा में देख रहे हो? क्योंकि 7 महीने होने वाले हैं, 6.5 महीने हो गए आंदोलन। आंदोलन जीत की दिशा में है, आंदोलन 100% जीतेगा, किसान जीतेगा, देश जीतेगा। वो तो आप पहले दिन से कह रहे हैं जीत। हाँ बिल्कुल है, जीतेंगे, क्यों नहीं जीते हैं? पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी कहेंगे, 1 साल आंदोलन और चल गया तो भी करेंगे। ये तो हमारी अच्छाई है कि हम शांति से बैठे हैं, नहीं 112 करोड़ लोग कहाँ, 2 लोग क्या मुकाबला है? किसी भी तरीके का कोई मुकाबला नहीं है। हम शांति के लोग हैं, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम पूंजीवाद के खिलाफ लोग हैं, क्योंकि ये देश लोकतंत्र पे आधारित है, संविधान पे आधारित है, और किसान इस देश के लोकतंत्र और संविधान सभी का सम्मान करते हैं।